किचन लज्जत। आइए आज हम बनाते हैं यहाँ पर बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस फिश करी। इसके अज्जा को देखिए और फिर इसके साथ में जो इसका मेथड देखिए, आखिर तक पूरा वीडियो देखिए। तो इसे हम तैयार करेंगे बिल्कुल एक यूनिक तरीके से, किचन लज्जत के तरीके से। फ़िश ग्रेवी बनाने के लिए है, यहाँ मैंने फ़िश ली है, इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। ये तकरीबन आधा किलो है, साथ ही मैंने टमाटर लिया है जिसका छिलका उतार लिया है गर्म करके और उसको काट लिया है। इसके साथ ही मैंने हरा धनिया लिया है, यहाँ पर कड़ी पत्ता है और अदरक लहसुन है। इसमें अदरक आप अवॉइड करना चाहें तो कर दीजिएगा, सिर्फ लहसुन लीजिए। दही है, लेमन है, कुछ बेसिक मसाले हैं। फ़िश ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैं ऑयल ले रही हूँ। यहाँ मैंने खाने का पूरा एक भर के स्पून लिया है, इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं इसमें टमाटो शामिल कर रही हूँ, इसको नर्म होने तक मैं तलूंगी। हल्दी शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून से कुछ ज़्यादा कश्मीरी मिर्च और सॉल्ट, थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाले को नरम होने तक भूनूंगी। यहाँ कुछ देर के लिए मैं इसे ढांप रही हूँ, तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है, इसमें मैं अभी दही शामिल करूँगी थोड़ा थोड़ा, 6-7 मिनट डालिए सारा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसको चलाते रहिए फौरन। देखिए ये अच्छे तरीके से हमने इसको मिला दिया है दही को, इसको हम कुछ देर और चलाएंगे। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा चावल का आटा पानी में मिला के डालूँगी, 1 टीस्पून। देखिए अब मैं इसमें मछली शामिल करूँगी, मछली डालने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, बस इस तरीके से आप जो है इसके ऊपर ग्रेवी मिला दीजिए। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और मैं इसको कुछ देर के लिए ढाँप दूँगी। देखिए मैंने इसमें हरा धनिया मिला लिया है, थोड़ा सा मैं इसको जो है मिलाऊँगी। फिश ग्रेवी तैयार हो चुकी है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मैंने इसको बहुत स्लो फ्लेम पर रखा था, मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी, लेमन जूस के बजाय आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं मसाला भूनते वक्त। हरी धनिया से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ और मैं यहाँ खुशबू के लिए हरी मिर्च डाल रही हूँ। व्यूअर्स देखिए फिश करी बनके तैयार है, इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही लजीज बनती है। हमने इसे बहुत ही ज़्यादा टिप्स के साथ में बनाया है, उम्मीद है ये डिश आपको पसंद आएगी। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ, या फिर आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, मेन डिश के तौर पे भी खा सकते हैं और साइड डिश के साथ भी, किसी सब्जी के साथ आप इसको परोस सकते हैं। इसे ज़रूर बनाइए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।